हेलो फ्रेंड्स, नवजात शिशु या फिर छोटे बच्चों की त्वचा काफी ज्यादा मॉइस्ट होती है, काफी ज्यादा लचीली होती है और काफी ज्यादा नाजुक होती है, जिसकी देखभाल भी सही तरीके से अगर ना करी जाए तो त्वचा पर रैशेस पड़ सकते हैं, संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान से तरीके जो आपके शिशु की त्वचा की देखभाल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। टिप नंबर वन, जब भी बच्चे छोटे होते हैं और चलना सीख रहे होते हैं तो फर्श पर गंदगी फैली हो या ना हो, उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्हें केवल अपने चलने पर ही फोकस करना होता है। इसीलिए कई बार वो गिरते हैं और शरीर और फर्श पर लगी हुई गंदगी उनके पूरे शरीर को ढक देती है, जिसकी वजह से चोटें भी काफी लगती हैं। इसीलिए अगर आपका बच्चा चलना सीख रहा है तो सफाई पर ध्यान देना जरूरी है। टिप नंबर टू, बच्चों को नहलाने के बाद बेबी ऑयल से उनकी बॉडी की मसाज जरूर करिए। ऐसा करने से संक्रमण का खतरा कम रहता है और बच्चों की त्वचा के अंदर नमी भी बरकरार रहती है। टिप नंबर थ्री, बच्चों को नहलाते समय उनकी जरूरत का सारा सामान अपने पास ही रख लें, जैसे कि तौलिया, बेबी वॉश या फिर ऑयल वगैरह। बच्चों को नहाते समय कभी भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। नंबर फोर, बच्चों को नहलाने के लिए हमेशा वही साबुन चुनें जिसके अंदर प्राकृतिक तेल मिला होता है, ताकि बच्चे की त्वचा पर किसी भी प्रकार के रैशेस ना हों। टिप नंबर फाइव, अपने बच्चे की त्वचा की मालिश ऑलिव ऑयल, बादाम के तेल या फिर बेबी ऑयल से करना बिल्कुल ना भूले। त्वचा की रंगत को बढ़ाने के लिए और उनकी त्वचा को अच्छे तरीके से देखभाल करने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपको उनकी त्वचा की सही तरीके से देखभाल करनी है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।